हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, अगर आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तो आपने यार कभी ना कभी तो अपने भैया, अपनी दीदी, अपने सीनियर्स या फिर अपने टीचर्स से यार कभी ना कभी सबने सुना होगा कि यार आप लोग कोडिंग करा करो। हर कोई आपको सजेशन देता है कि आप कोडिंग करा करो। तो यार मतलब कभी आपने सोचा कि हर कोई आपसे सेम चीज बोल रहा है करने को, तो उसका रीजन क्या है? भाई अगर हर कोई आपसे सेम चीज करने को बोल रहा है तो यार उसके पीछे कुछ ना कुछ तो ऐसा रीजन होगा या कुछ ना कुछ ऐसी चीज होगी जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो यार मैंने सोचा क्यों ना यार इसके ऊपर एक वीडियो बनाया जाए जिससे आपको बेसिकली पता लगे कि कोडिंग होती क्या है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में अंतर होता क्या है, हमें कोडिंग करनी क्यों चाहिए और गाइज कोडिंग के डिफरेंट एडवांटेजेस हैं क्या। तो गाइज मैं आपको वे सब इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो यार पूरा लास्ट तक वीडियो को देखना, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए और गाइज काफी यूजफुल भी होगी, ठीक, और काफी इंटरेस्टिंग है। तो गाइज लास्ट तक देखना, शुरू करते हैं गाइज आज की वीडियो। दोस्तों सबसे पहले बात आती है कि कोडिंग होती क्या है। यार देखो, हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स को डेली सोल्व करते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं बहुत सारी हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। अब यार अगर मैं चाहता हूँ कि जो मैं प्रॉब्लम मैं सोल्व खुद कर रहा हूँ, अगर मेरी वही प्रॉब्लम कंप्यूटर सोल्व करे तो वो कैसे करेगा? यार देखो, हम लोग सोल्व कैसे करते हैं, हमारे पास अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हम अपनी दिमाग का यूज करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। बट आप खुद सोचो, कंप्यूटर के पास ऐसा कुछ दिमाग नहीं है तो कंप्यूटर उसी को कैसे सोल्व करेगा? तो यार हम करते क्या है बेसिकली, हम अगर हमें सेम प्रॉब्लम को कंप्यूटर से सोल्व करवाना है तो मैं कुछ पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ कोड लिखता हूँ जो कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो यार जो मैं वो पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ कोड लिखता हूँ एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, गाइज उसको ही बोलते हैं बेसिकली कोडिंग, ठीक। तो मतलब आपको इतना समझ में आ गई कोडिंग होती क्या है। कोडिंग बेसिकली किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए जो हम कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं उसको बेसिकली गाइज हम आपको कोडिंग बोलते हैं, ठीक है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग में क्या अंतर है? यार सही बताऊँ तो ये दोनों वर्ड ना बहुत एक जैसे लगते हैं। मतलब आप लोगों में से काफी को तो ऐसा लगता होगा सही में अब भी कि ये दोनों सेम है, इन दोनों में अंतर क्या है? बट यार रियलिटी ये है कि इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है गाइज, मैंने आपको बताया कोडिंग करता क्या है। कोडिंग सिंपल आपकी किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करता है और आप उसके लिए कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखते हो। बट गाइज प्रोग्रामिंग से आप एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन, आप कोई सॉफ्टवेयर भी डेवलप कर सकते हो। मतलब गाइज अगर मैं कोडिंग और प्रोग्रामिंग के रिलेशन की बात करूं तो यार कोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोग्रामिंग में। बट एवरीथिंग कोडिंग इज नॉट प्रोग्रामिंग, मतलब जो सब कुछ आप कोडिंग में करते हो वो ही सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है। यार कोडिंग में तो हम करते क्या है, सिंपल अपनी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। बट क्योंकि प्रोग्रामिंग में हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एप्लीकेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो यार वहाँ पे भी कोडिंग तो हमें करनी होगी। भाई अगर मुझे कोई चीज डेवलप करनी है तो यार कोडिंग तो मुझे वहाँ पे भी करनी होगी। बट वहाँ पर गाइज मुझे कोडिंग के साथ साथ मुझे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे गाइज आपकी वहाँ पर मतलब आप प्लानिंग करोगे पर्टिकुलर, लेट सपोज गाइज आपको एक फेसबुक जैसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो यार उसके लिए पहले आप एक पर्टिकुलर प्लानिंग करोगे कि कैसे मैं उसको डेवलप करूंगा। देन गाइज हम उसका टेस्टिंग करेंगे, देन उसका मेंटेनेंस लोड देखेंगे। गाइज बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको कोडिंग के साथ साथ जब आप एक्चुअल प्रोग्राम करते हो या फिर जब आप एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर, एक एक्चुअल एप्लीकेशन डेवलप करते हो, तो आपको उन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है अलोंग विद कोडिंग। तो यार कोडिंग और प्रोग्रामिंग सेम नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है, कोडिंग और प्रोग्रामिंग अलग अलग है। तो यार आपको अभी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको पहले कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि कोडिंग आपको बेसिकली ये सिखाएगा कि हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे हम उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है गाइस कि कोडिंग के लिए क्या कोई चीज जरूरी है, मतलब जो मैं पहले उसके लिए आनी चाहिए। तो यार बिल्कुल कोडिंग के लिए यार हमें कोई लैंग्वेज आनी चाहिए। गाइस आपकी बहुत सारी लैंग्वेज होती है, सी, C++, जावा, पाइथन, बहुत सारी लैंग्वेज है यार। आपको अगर कोई सी भी एक लैंग्वेज आती है तो यार आप आराम से उस लैंग्वेज में कोडिंग कर सकते हो। गाइज ऐसा कभी कुछ नहीं होता कि आपके लिए कभी कोई लैंग्वेज बैरियर है कि आप उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड करो। गाइज जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आपको आसान लगता है कोड करना, आप उस लैंग्वेज में आसानी से कोड कर सकते हो। यार देखो एक चीज मैंने नोट करी है कि काफी बच्चे करते क्या है कि सेकेंड ईयर खत्म हो जाता है और बच्चे फिर भी बोलते हैं कि भैया पहले मैं लैंग्वेज इंप्रूव करूंगा अपनी, मुझे लैंग्वेज नहीं आती, पहले मैं लैंग्वेज करूंगा देन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम या फिर कोडिंग वगैरह कुछ करूंगा। तो यार देखो मैं आपको एक चीज मतलब बोलना चाहूंगा कि यार अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो यार सबने सी तो पढ़ी हुई है, सी सबने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है। जिन्होंने सेकंड ईयर कंप्लीट कर लिया है उन्होंने यार जाहिर सी बात है सेकंड ईयर में एक ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे हाथ पर जरूर मारा होगा, या तो पाइथन पे, जावा पे या C++ पे कुछ ना कुछ करा होगा। तो यार आप जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी यार प्रोग्रामिंग से मतलब लैंग्वेज से यार अपनी कोडिंग पे स्विच करो, क्योंकि
यार कोडिंग बहुत जरूरी है। अभी जब हम आगे इस वीडियो में देखेंगे तो आपको मैं बहुत सारे फायदे बताऊंगा कोडिंग के, तो यार वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यार इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप उतनी जल्दी अपनी लैंग्वेज से कोडिंग पर स्विच करो। यार बताऊं, जब आप कोडिंग करते हो ना तो ऐसा नहीं है कि आपको अगर लैंग्वेज प्रॉपर नहीं आती तो आप कोडिंग नहीं कर सकते। जब आप कोडिंग करते हो तब भी आपको गाइस लैंग्वेज के बहुत सारे कंसेप्ट नए पता लगते हैं, नए सीखने को मिलते हैं। अच्छा, मैं इस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, मैं इस कंसेप्ट को ऐसे भी यूज कर सकता हूँ। तो यार उन सब चीजों का आपको आइडिया जब भी होगा जब आप कोडिंग करना स्टार्ट करोगे। गाइज आपके आसानी के लिए, अगर आपको कोडिंग में डाउट है थोड़ा सा, तो यार मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए हुए हैं हर लैंग्वेज के, वहां से गाइज आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। सब कुछ गाइज फ्री है, सब गाइज फ्री लिंक है। आप अपना जाओ यूट्यूब के लिंक से गाइज, तो वहां से गाइज आप अपने कंसेप्ट को मतलब थ्रोली रिवाइज कर सकते हो। या फिर अगर आपको कोई ऐसा कंसेप्ट लगता है जो मुझे इम्प्रूव करना है, जो मुझे सीखना है, तो यार आप वहां से वो चीज सीख सकते हो, जिससे कि आप आसानी से जल्दी जल्दी कोडिंग पर स्विच कर पाओ। गाइज पता है आपको, स्टीव जॉब्स बोलते हैं कि हम सबको कोडिंग करनी चाहिए क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हम कैसे सोच सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। बेसिकली यार कोडिंग का मैंने मतलब बताया कि हम किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं। तो होता क्या है, जब मैं उस प्रॉब्लम के लिए लाइंस ऑफ कोड लिखता हूँ, तो यार बेसिकली मुझे वो लाइंस ऑफ कोड जब मैं लिखता हूँ तो मुझे वो बताता है कि मुझे उस प्रॉब्लम को कैसे सोचना है, कैसे मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एनालाइज करना है, कैसे मुझे उस प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करना है। तो यार ये सब चीज आपको जब भी आएंगी जब आप कोडिंग करोगे। तो बेसिकली कोडिंग आपको बहुत अच्छा मतलब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। तो यार इसलिए हम सबको कोडिंग करनी चाहिए क्योंकि आपको ये सिखाता है कि हमें किसी चीज के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए कैसे सोचना होता है। इसके साथ साथ यार स्टीफन हॉकिंग भी बोलते हैं आपको कि अगर आपको 21st सेंचुरी मतलब अगर आपको आज के युग में अपना करियर बनाए रखना है तो आपको बेसिक फंडामेंटल कोडिंग आनी चाहिए। मतलब गाइज आप आज के समय में देख रहे होंगे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ तो हम करते क्या है, हम मशीन लर्निंग में बेसिकली अपनी मशीन मतलब अपने हम सिस्टम, अपने कंप्यूटर को सिखा रहे हैं कि वो उसकी इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस जितनी हो जाए। मतलब गाइज हम बेसिकली मशीन लर्निंग के हेल्प से हम मशीन से क्या चाहते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो सारा काम मशीन कर पाए, जिससे कि आने वाले समय में यार इंसानों की जरूरत मतलब कम होती जा रही है। अब आप खुद सोचो, जब हम हर चीज धीरे धीरे मशीन के ऊपर डिपेंडेंट करते जा रहे हैं, तो यार एक समय ऐसा आएगा जब किसी कंपनी को या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बंदों की जरूरत होगी नहीं। क्योंकि यार जब सेम काम मशीन कर रही है तो वो उस चीज के लिए एक बंदे को पे क्यों करेगी। बट कभी भी यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपका 100% काम मशीन कर पाए, क्योंकि यार कभी भी आप मशीन को कितना भी इंप्रूव कर लो, कितना भी आप उसको सिखा दो, कभी भी मशीन उतनी इंटेलिजेंट नहीं हो सकती जितना हमारा माइंड है। तो यार ऐसा भी कभी नहीं होगा कि किसी एक भी बंदे की जरूरत ना हो कंपनी में, बट ऐसा जरूर होगा कि बंदों की जरूरत बहुत कम होगी। तो यार जिन बंदों की जरूरत होगी ना आने वाले टाइम में कंपनी में, वो वे बंदे होंगे जिन्हें कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बहुत तगड़ी नॉलेज होगी। तगड़ी नॉलेज से मतलब गाइस जिन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग कैसे करनी होती है, कैसे हम मशीन को सिखा सकते हैं कि वो आपका काम आसानी से कर पाए। तो यार देखो इसलिए ये सब रीजंस भी हैं जिसके लिए आपको कोडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अब गाइस मैं आपको बताता हूँ डिफरेंट कोडिंग करके फायदे क्या हैं। गाइस सबसे पहला फायदा है कि कोडिंग आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। मतलब गाइस जैसे आपने बचपन में सबने एक सुडोकू वाला गेम खेला होगा। गाइस सुडोकू के गेम में हम करते क्या है कि आपको एक 9x9 की मैट्रिक्स दी जाती है और उसमें मुझे हर रो और हर कॉलम में 1 to 9 एक ऐसा एलिमेंट रखना होता है कि वो एलिमेंट आपका उस रो में या उस कॉलम में आपका रिपीट ना हो। तो यार जब हम उसको अपने कॉपी पेन या फिर जब हम अपने माइंड से सोल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, हम बार बार मतलब हिट एंड ट्राई करते हैं कि पहले ये नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, देन हम सेकंड को ट्राई करते हैं, देन थर्ड को, ऐसे हम ट्राई करते रहते हैं। कभी कभी आपने सोचा कि अगर मुझे वही चीज कंप्यूटर सोल्व करवानी है, अगर मैं वही 9x9 की मैट्रिक्स एक कंप्यूटर को दे रहा हूँ, तो यार कंप्यूटर कैसे सोल्व करेगा। गाइज मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ इसके लिए। कंप्यूटर में गाइज हम अभी पढ़ेंगे आगे दो एल्गोरिथम है गाइज, रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग। गाइज रिकर्शन एंड बैक ट्रैकिंग की बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सुडोकू सोल्वर। गाइज बैक ट्रैकिंग एंड रिकर्शन की हेल्प से आप किसी भी सुडोकू को सोल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो यार क्योंकि बेसिकली बात क्या है, कोडिंग आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव कर रहा है। मतलब आपको बता रहा है कि आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कैसे अप्रोच करना है, कैसे एनालाइज करना है। तो यार इसलिए आपकी लॉजिकल स्किल्स और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होती हैं जब आप कोडिंग करना स्टार्ट करते हो। सेकेंड गाइज सेकेंड चीज है कि आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करता है। मतलब गाइज लेट सपोज आपको कोडिंग आती है, अब जब आपको कोडिंग आती है तो जाहिर सी बात है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लॉजिकल स्किल्स गाइज अच्छी है।
अब लेट्स सपोज आप 10 लोग आपस में बैठे हो, और अगर मैं उन 10 लोगों को एक प्रॉब्लम देता हूँ और मैं कहता हूँ यार कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करो, तो यार होगा क्या? जब क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड लॉजिकल स्किल्स उन सब बंदों से थोड़ी अच्छी है, तो आप उन 10 बंदों के ग्रुप में गाइस आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आसानी से फाइंड कर सकते हो, आप आसानी से उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर सकते हो। तो हुआ क्या गाइस, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स एंड अदर सॉफ्ट स्किल्स भी इंप्रूव होगी, जिस वजह मैंने आपको बोला कि आप अगर कोडिंग करोगे तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स भी इंप्रूव होंगी। थर्ड गाइस नेक्स्ट है आज, आपकी कोडिंग करने से आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। मतलब यार जो भी चीज आप सोचते हो ना, आप हर चीज का कोड कर सकते हो। मतलब गाइस कभी आपने सोचा कि जब मैं गूगल मैप पर डालता हूँ कि यार मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, तो आपको विद इन अ फ्यू सेकंड्स एक शॉर्टेस्ट पाथ दिखा देता है। कभी आपने सोचा कि कैसे वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ दिखाता है? गाइस कभी आपने सोचा कि कैसे हम फेसबुक और इंस्टाग्राम की हेल्प से दुनिया के एक कोने में बैठे हुए किसी दूसरे कोने के बंदे से कम्युनिकेट कर पाते हैं? गाइस जब आप इन सब चीजों को सोचोगे तो यार सही बताऊं तो इन सब चीजों के पीछे कोडिंग ही लगी है। तो बेसिकली है क्या, जो भी चीज आप सोचते हो अगर आप उन सब चीजों को रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो यार वो सब चीज आपकी कोडिंग की हेल्प से ही हो सकती है। तो बेसिकली है क्या, क्योंकि कोडिंग आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव कर रहा है। मतलब क्रिएटिविटी मतलब गाइस जो भी चीज आप सोच रहे हो आप उसको आसानी से अपने रियल में इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, तो उससे गाइस आपको भी मजा आएगा, आप भी नई नई चीजों को सोचना स्टार्ट करोगे, सोचो यार कुछ नया सोचता हूँ जिससे कि मैं कुछ नया इंप्लीमेंट कर पाऊँ। ठीक है, और गाइस सबसे अच्छी बात क्या है कि आप मतलब कुछ भी नया बना सकते हो। गाइस लेट्स सपोज आप एक गेम खेल रहे हो और आप कह रहे हो यार कि उस गेम में कुछ ऐसे चेंज करे जाएं जिससे कि अगर उस गेम में वो चेंज हो जाए तो यार यूजर को उस गेम को खेलने में और मजा आएगा। तो यार क्यों ना आप ही उस गेम में आप ही कोई एक नया गेम ऐसा बनाओ जिसमें आप वो सारे चेंजेस लाओ, तो यार हो सकता है कि आपको वो गेम इतना चल जाए कि आप भी करोगे एक करोड़पति बन जाओ। तो यार क्योंकि बात क्या है कि कोडिंग आपकी मेन लॉजिकल स्किल्स आपकी क्रिएटिविटी इन सबको इम्प्रूव कर रहा है, तो यार जो भी चीज़ आप सोचते हो जो भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है आप उन सब चीज़ों को रियल में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी वजह से गाइज आपके सीनियर्स, आपके भैया, आपके दीदी और यहाँ तक कि आपके टीचर्स आपको फोर्स करते हैं कोडिंग करने के लिए, गाइज वो है कि आप मल्टीपल जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है गाइज मार्केट में। गाइज जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनी है, अमेजोन, एडोब, सैमसंग, आईओएन, गाइज जितनी बड़ी बड़ी कंपनी है, हर कोई आपसे मेन कोडिंग ही पूछता है। गाइज अभी रिसेंटली मैं कुछ दिन पहले लिंक्डइन देख रहा था, वहां पर गाइज एक मेरे सामने पोस्ट आई कि अमेजोन गाइज हायरिंग कर रहा है कुछ बंदों की। तो यार पता है वहां पर नीचे नोट लिखा था कि मतलब जो भी बंदा अप्लाई करेगा उसकी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स गाइज बहुत तगड़ी होनी चाहिए। तो गाइज मतलब अब आप सोच सकते हो कि कोडिंग का कितना इंपॉर्टेंट रोल है किसी मतलब एक आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव में भी, और गाइस कितने फायदे हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करता है, आपकी लॉजिकल स्किल्स को इंप्रूव करता है, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स इंप्रूव करता है, उसके साथ साथ गाइस आपको क्रिएटिविटी देता है। तो गाइस ये सब फायदा हो गया आपके कोडिंग के। गाइस अगर आपको ये चीज़ विश्वास नहीं हो रही है कि जो मैं बोल रहा हूँ कि यार बड़ी बड़ी कंपनी सब चीज़ पूछती है, तो गाइस नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गाइस टेलीग्राम का लिंक है, उसके बाद एक बार ज्वाइन करें, और गाइस वहाँ पर हमने काफ़ी सारे कंपनी के एक्सपीरियंस शेयर करे हुए हैं, तो गाइस उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह की कंपनी किस तरह के क्वेश्चन पूछती है। तो यार उससे आपको क्या होगा, उससे आपको ये पता लगेगा कि अच्छा इस पैकेज कंपनी इस तरह के क्वेश्चन पूछती है। तो यार क्योंकि कोडिंग अब इन सब चीज़ों का क्लियर क्या हो गया कि कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग यार बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब गाइस ये चीज़ आपको करनी ही होगी। ठीक है, अब गाइस बात आती है कि हमें स्टार्ट करना कैसे है। गाइस काफ़ी लोगों की क्वेरी होती है कि यार हम स्टार्ट करते हैं, दो दिन करते हैं, छोड़ देते हैं, गाइस उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न गाइस ये है कि आपको हर कोई ये तो बता देता है कि आप कोडिंग करो, बट आपको कोई यार ये नहीं बता पाता कि आपको कोडिंग करनी कैसे है, आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है। तो यार उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यार ये वीडियो पहले ही काफ़ी बड़ी हो चुकी है, और अगर मैं वो चीज़ इस पर बताऊंगा तो यार और बड़ी हो जाएगी। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको गाइस एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कोडिंग स्टार्ट कैसे करनी है और आप अपना कोडिंग में गाइस करियर कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो यार उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। गाइस उसके असर एक क्वेश्चन और भी है, काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार हमने स्कूल में कोडिंग नहीं करी, तो यार हम कैसे करें और कहाँ से स्टार्ट करें? तो यार देखो ऐसा तो कुछ नहीं है कि आपको स्कूल में नहीं करी तो आप कर नहीं सकते। देखो यार बिल्कुल एक सही बात क्या है कि इस दुनिया में कोई भी बंदा कोई चीज़ सीखे नहीं आता।
जब आप छोटे थे तो आपने सबसे पहले साइकिल चलाना सीखा था। जब आपने साइकिल चलाना सीखा तो आप ऐसा तो है नहीं कि आप ऊपर से साइकिल चलाना सीख कर आए थे। आप गाइस आपने यहीं पे आके साइकिल चलाना सीखा, आपने साइकिल चलाई, आपके चोट भी लगी, आप साइकिल से कई बार गिरे भी, बट आपने साइकिल चलाना छोड़ा नहीं। आप गाइस साइकिल चलाते रहे चलाते रहे। एक दिन ऐसा आया जब आप उसमें इतना परफेक्ट हो गए कि आज आप गाइस बहुत अच्छी तरह आराम से साइकिल चला सकते हो। तो यार सेम चीज ऐसी ही है, मतलब जब आप किसी चीज को अपने मन से करते हो ना तो यार सही में आप उसको बिल्कुल सीखते हो। तो यार बेसिकली कोडिंग हम कैसे करते हैं और कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए गाइज, ये सब चीज़ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा। और गाइज मेन चीज मैंने आपको बताई दी है कि कोडिंग के लिए आपको एक तो गाइज आपको लैंग्वेज चाहिए, और दूसरी चीज गाइज आपका इंटरेस्ट। आपका अगर इंटरेस्ट है इस चीज में कि आप नई नई चीज सीखोगे, कैसे हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करते हैं, तो यार आपको सही में बहुत मजा आएगा इस चीज में। तो गाइज उन सब चीजों को मैं आपका अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। गाइज अगर इस वीडियो में कोई चीज आपको ऐसी लगी हो कि जो मेरे से छुटी हो, या फिर जो आपकी कोई क्वेरी हो जो मैंने आपको ना बताई हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, तो मैं उसको गाइज नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और गाइज उसके साथ मुझे कमेंट करके आप ये भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को गाइज आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त का शेयर करें, जिससे कि आज उन्हें पता लगे कोडिंग की इंपॉर्टेंस है क्या और हमें कोडिंग करनी क्यों चाहिए। ठीक, तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।